और आगे बढ़ते हैं, पर्थला फ्लाईओवर का उद्घाटन जल्द हो सकता है। उद्घाटन से पहले आज फ्लाईओवर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाला सस्पेंशन ब्रिज पर जल्द ही आवाजाही भी शुरू हो सकती है। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। नेटवर्क 10 संवाददाता विवेक दीक्षित ने ब्रिज को लेकर मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। पर्थला ब्रिज का जो काम था वो पूरा हो चुका है, उद्घाटन की तैयारियां भी शुरू हो गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। यहाँ पे लेडीजें हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, यहाँ पर गीत भगवान के भजन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, बस अब इंतजार है इसका, इस बात का कि कब इसका उद्घाटन होगा। हालांकि यहाँ पे लोगों से हमने जब बात की तो लोगों का कहना है कि आजकल भी उद्घाटन होना है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं। सर, इसका कब उद्घाटन होगा और किस तरीके से तैयारियाँ इसकी? पूजा पाठ हो रहा है, बस एक दो दिन के अंदर ही इसका उद्घाटन शुरू हो जाएगा। और बाबा जी का बड़ा योगदान है, नोएडा साफ सुथरा हो रहा है और जाम यहाँ का ख़त्म होगा। पर्थला चौक का लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और जल्द से जल्द ये एक दो दिन में पुल का उद्घाटन शुरू हो जाएगा। किसके द्वारा पुल का उद्घाटन किया जाएगा? उद्घाटन मैडम आएंगी प्राधिकरण की, वही उद्घाटन करेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पर बस प्राधिकरण जो ऋतु महेश्वरी हैं, वहाँ के सीईओ हैं, उनका इंतजार है, वही आएंगी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए। आप देख सकते हैं पूजा पाठ चल रहा है, यहाँ पर लोग भजन कर रहे हैं, क्योंकि कोई अगर शुभ कार्य जब शुरू होता है तो उसके पहले पूजा पाठ होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया चल रही है। क्या मैं अमित के साथ विवेक जी, नेट नोएडा। पर्थला ब्रिज जो था वो बनकर अब तैयार हो चुका है, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। ये पर्थला ब्रिज है पीछे मेरे, देखिए पूरा बनकर तैयार हो चुका है और ये 600 मीटर लंबा ब्रिज है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक पिलर पे खड़ा हुआ है और इसके बाद 28 तारों से ये, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में जो सिग्नेचर ब्रिज है, सिग्नेचर के बीच के तौर पर इसको बनाया गया है और पूरा सिग्नेचर की ही कॉपी की गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय ये अब इसका उद्घाटन का इंतजार है, हालांकि ये उद्घाटन 4 जून को ट्रायल होना था लेकिन ट्रायल अभी नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के लोग यहाँ जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पहले ट्रायल होगा और उसके बाद नोएडा ट्रैफिक की पुलिस भी यहाँ पर रहेगी, उसके बाद इसका ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद इस ब्रिज को ओपन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है पर्थला ब्रिज का नाम ये सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि जिस समय ये चालू होगा तो क्योंकि नोएडा प्राधिकरण देख रहा है जिस तरीके से नोएडा जाम मुक्त बनाना चाहता है, क्योंकि जाम मुक्त करना चाहता है चाहे नोएडा ट्रैफिक पुलिस हो या फिर प्राधिकरण के अधिकारी हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ नोएडा को जाम मुक्त बनाने के लिए इस ब्रिज को तैयार किया गया है। और जब ये ब्रिज चालू होगा तो कहीं ना कहीं जो जाम लगता था पर्थला में घंटों लोगों को, जो सुबह और शाम का जो पीक समय होता है वो ऑफिस का समय होता है, तो यहाँ पर घंटों लोगों को जाम में खड़ा होना पड़ता था, वो अब उनको जाम में नहीं फंसना होगा, नहीं करना पड़ेगा इंतजार, अपने समय से ऑफिस पहुँचेंगे। क्या मैं अमित के साथ विवेक जी, नेटवर्क 10 नोएडा।